यमुना यानी हमारी एक पवित्र नदी जो उत्तर प्रदेश के कई इलाकों को सींचती है, जैसे किनारे लाखों जिंदगियां बसती हैं, लेकिन आज के दौर में वही यमुना अनदेखी का शिकार है और लापरवाही के चलते गंदगी के बोझ से दबती जा रही है। प्रदूषण की वजह से यमुना आज आगरा में हाल इसका खराब है, बेहाल है। इस रिपोर्ट के जरिए समझिए किस तरीके से गंदगी का अंबार यमुना में है। गंदे नालों और सूखे मैदानों के बीच अपना रास्ता तलाशती ये हमारी पवित्र नदी यमुना की तस्वीर। कोई शक की बात नहीं कि यमुना नदी पर अनगिनत लोगों की जिंदगी निर्भर है। इस बात पर भी कोई सवाल नहीं कि यमुना नदी का वेद और पुराणों में कितना पवित्र स्थान है, लेकिन बावजूद इसके लापरवाही, भ्रष्टाचार और अनदेखी का शिकार यमुना आज आगरा में अपने वजूद की लड़ाई लड़ने के लिए मजबूर है। लापरवाही, अनदेखी और भ्रष्टाचार के चलते यमुना का पानी अब शोधन लायक नहीं है। न यमुना के पानी को आप पी सकते हैं और ना ही नहा सकते। बावजूद इसके प्रशासन आंखें मूंद के सोया हुआ है। ताजनगरी आगरा में वैसे भी पीने के पानी की कमी है और इस पानी को भी शोधन करने के बाद पीने योग्य बनाया जा रहा है, लेकिन गंदगी इस कदर है कि मथुरा की तरफ से आगरा आने वाली यमुना पहले से गंदी है, लेकिन ताजनगरी आगरा में आते आते वो गंदगी कई गुना बढ़ जाती है। अपने वजूद के लिए जद्दोजहद करती यमुना नदी की हाल आपकी आंखों के सामने है और यमुना का ये हाल शहर के जिम्मेदार अधिकारियों की नजरों से भी छिपा नहीं है। अपने एसी वाले कमरों में आराम की जिंदगी गुजारते अफसर आज यमुना के इन हालातों से वाकिफ हैं, लेकिन इसे शायद लापरवाही ही कहेंगे कि सच्चाई सामने आने के बावजूद उनके पास अफसोस जताने के अलावा कोई और चारा नहीं बचता। नहीं, ये तथ्य ज्ञानित है कि यमुना में जो है शहर के कई नाले इसमें गिर रहे हैं, तो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा उसमें प्रदूषित नाले को जो न गिराने के संबंध प्रतिबंधित जो कार्रवाई की जाती है। नगर निगम द्वारा भी जो है इसमें जो मैला न जाए इसमें कई स्थानों पर जो जाल लगाए गए, तो शुद्ध पानी नालों के द्वारा जो है यमुना में जाए इसके लिए जो है पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा जो कार्रवाई की जा रही, अगर कहीं शिथिलता बढ़ती जा रही या कहीं जो है लूट पोट है तो उसको जो है देखते दूर कराया जाए। कैमरे के सामने तो एडीएम साहब सफाई देते नजर आए, लेकिन उनकी सफाई की सच्चाई यमुना किनारे बहने वाले नालों की दुर्गंध के सामने फीकी नजर आई। शहर में नदी का हाल तो हमने देख ही लिया, लेकिन इन हालातों के पीछे जिम्मेदार अधिकारियों से उनके काम की सच्चाई जानने की कोशिश भी R9 टीवी ने की और विभाग हालात सुधारने की कोशिश के बजाय अपनी समस्याएं गिनाता नजर आया। इसमें हमें समस्या ये आ जाती है कि जब भी हम इसका एलम से क्लोरिनेशन से इस पानी को शुद्ध करने की कोशिश करते हैं तो हमारी डोजिंग कैपेसिटी अधिक से अधिक बढ़ जाती है और इस पर लगभग दुगुना खर्च आने लगता है। स्थिति रॉ वाटर जब तक शुद्ध नहीं होता है तब तक उसमें चाहे जितना हम एलम बनाएं या क्लोरिन बनाएं हल्का सा कलर जो है उस पानी में रह जाता है जो देखने में खराब लगता है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का खेल खेला जा रहा है और इस खेल का सबसे ज्यादा नुकसान शहर से होकर बहने वाली यमुना नदी पर हो रहा है। आज हाल ये है कि कभी शहर की शान रही यमुना गुमनाम हो रही है। जब सवाल शहर के नालों के नदी में मिलने का पूछा गया तो जल विभाग ने अपनी टोपी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को ट्रांसफर कर दी। हम लोगों के लिए नाले के विषय में यह है कि यमुना प्रदूषण नियंत्रण इकाई नालों के टेपिंग का कार्य कर रहा है। इसमें कुछ नालों उन्होंने टेप किए हैं और कुछ नालों का अभी टेपिंग का कार्य बाकी है। ये यमुना प्रदूषण नियंत्रण इकाई यूनिट काम देखती है
हम लोगों के पास जो है उनको सूचना देने का काम होता है, जो उनको ऑलरेडी सूचित है, और वो इस दिशा में काम कर रहे हैं। यमुना प्रदूषण नियंत्रण इकाई के अतिरिक्त जो है, जो प्रदूषण विभाग है, वो विभाग भी इसके लिए प्रयत्न है। अभी आज ही जानकारी में मिली है कि इसके लिए कुछ कार्ययोजनाएँ बनी हैं और वो कार्ययोजना प्रस्तुत की गई है। यमुना में नालों के गिरने की बात पर जब जीएम साहब ने पल्ला झाड़ लिया तो अगली जवाबदेही शहर के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की बनी। सवाल भी हुए और जवाब तो ऐसे मिले कि मानो विभाग ने नदी का कायाकल्प कर दिया। जरा आप भी सुनिए। नहीं, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड तो अपने एक्ट्स में, वाटर एक्ट में जो है, लगातार इनको नोटिस देना या जो भी कार्रवाई अपेक्षित है वो की जा रही है। जहाँ तक जानकारी हमको आगरा की, आपको बता दें कि टोटल 90 नाले हैं जिनमें से 29 टैप्ड हैं और 61 जो है अनटैप्ड हैं। तो 61 अन नाले जो टैप्ड हैं उनकी टैपिंग के लिए जल निगम ने ऑलरेडी एक प्रस्ताव जो NMCG में भेज रखा है और उसमें 1150 या 1200 करोड़ रुपए का उनका प्रस्ताव सैंक्शन हो चुका है। अब आगे उसका क्रियान्वयन बाकी है। प्रयास जो है आगरा स्तर पर सभी विभाग अपने स्तर पर कर रहे हैं कि आगरा को जितना साफ सुथरा और नदी की जितनी क्वालिटी अच्छी की जा सके वो कर ली जाए जल्दी से जल्दी। तो सुना आपने दावों का। आंकड़ों की गिनती तो साहब को खूब आती है, लेकिन असल में शहर में नदी के क्या हाल है ये किसी से छिपा नहीं है। आंकड़ों की बात कर साहब अपनी नाकामी जरूर छिपा सकते हैं, लेकिन कैमरे की निगाहों में यमुना के बदहाल हालातों की सच्चाई कैद हुई और साथ ही कैद है अधिकारियों की लापरवाही भी। कागजों पर सैकड़ों करोड़ खर्च किए जाते हैं, लेकिन वो करोड़ों रुपए भी नदी की सफाई करने में नाकाम साबित रहे। मैं इस वक्त ताज नगरी आगरा की यमुना नदी में मौजूद हूँ। आप ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये नाला सबसे बड़ा नाला है और जल संस्थान का जहाँ प्लांट लगा हुआ है उसके ठीक बगल में ये नाला सीधा यमुना में जा रहा है। गंदगी इस कदर है कि यमुना का पानी पूरी तरह से नाले से भी बदतर हो चुका है। पीने की पानी की आगरा में काफ़ी कमी है। मुगलिया शहर आगरा को कहते हैं और कई बरसों से ताजनगरी आगरा में पानी जो पीने का है उसमें कमी देखी जा रही है। बावजूद इसके शासन प्रशासन इसको पूर्ण रूप से अनदेखा कर रहा है। RRI TV के लिए आगरा से शिव चौहान।